हेलो ओके सो भाई ये जो हमारी मेरी तो भाई आए हैं बैंक में सीवीर बैंक और बैंक अकाउंट ओपन कराने टूरिस्ट वीज़ा पे तो देखते हैं ओपन होता है कि नहीं टोकन ले लिया और बात करते हैं देखते हैं प्रोसेस सब बताएंगे भाई फाइनली बैंक अकाउंट ओपन हो गया बैलेंस भी भर गया भाई 15,000 कुछ डाले मैंने ये देख लो 15,000 और ये कार्ड मेरा भाई तो ज़्यादा नहीं आधे घंटे लगे 30 मिनट्स ओपन करने में तो इस पर सेवा बोल सो ओके भाई दस बिता नहीं जस्ट आधे घंटे लगे यार बहुत मज़ा आया और ये इजी हो गया मेरी लाइफ यहाँ के लिए रसिया के लिए क्योंकि यहाँ पे ना हर जगह कैश लेके घूमना पॉसिबल नहीं है तो भाई आए हैं बैंक में सीवीर बैंक और बैंक अकाउंट ओपन कराने टूरिस्ट वीज़ा पे तो देखते हैं ओपन होता है कि नहीं टोकन ले लिया और बात करते हैं देखते हैं प्रोसेस सब बताएंगे भाई सो भाई लगभग बैंक ओपन हो गया अकाउंट और ज़्यादा देर नहीं लगा बस 15 मिनट लगे होंगे भाई और कार्ड आने वाला है अभी तो वीडियो बनाना बोली नहीं उसको तो भाई देख लो ये मेरा कुछ अकाउंट खुल गया है और मेरा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे बैठी थी वो लगभग 15 मिनट ही लगा होगा प्रिवियत हेलो ओके सो भाई ये जो हमारी मेरी अकाउंट खोली उसने और बात अच्छी हो रही थी अच्छी है भाई तो लगभग अकाउंट खुल गया कार्ड भी दिया गया एक कार्ड नंबर और कार्ड नहीं आता ऐसा कार्ड होता है भाई तो ले लिया इसलिए कैश ले कितना घूमूंगा तो इसलिए मैंने अकाउंट खुला लिया तो आप भी टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आप अकाउंट खोल सकते हो ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था भाई तो लगभग अभी कार्ड मिलने ही वाला है कैश और कैश थोड़ा डाल दूंगा डिपॉजिट कर देता हूँ कितना और निकाल के भी देख लेंगे डाल के भी देख लेंगे आपको दिखाएंगे हम बोली कि ऐप भी आपको चाहिए तो मैं तो ठीक है भाई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं फ़ोन में तो आप उससे ऑपरेट भी कर सकते हो उसमें कि बैंक बैलेंस कितना है और ये सब चेक कर सकते हो भाई और 5,000 अगर हर महीने स्पेंड नहीं करते हो तो 150 रूबल आपके कटते हैं भाई चार्ज लगते हैं उसके तो भाई कैश डाल दिया अकाउंट में बैलेंस चेक कर रहे हैं और एक कार्ड यहाँ लगता है भाई और सब एक डिमेरिट फाइनली बैंक अकाउंट ओपन हो गया बैलेंस भी भर गया भाई 15,000 कुछ डाले मैंने ये देख लो 15,000 और ये कार्ड मेरा भाई तो ज़्यादा नहीं आधे घंटे लगे 30 मिनट्स ओपन करने में तो इस पर सेवा बोल सो ओके भाई दस बिता नहीं तो भाई खुल गया चलिए बाहर चलते हैं बताते हैं सब कुछ हाँ दस बिदानिया सिवा बोल सो दस तो भाई चलते हैं और अकाउंट खुल चुकी है अच्छा लग रहा है भाई और जस्ट आधे घंटे लगे यार बहुत मज़ा आया और ये इजी हो गया मेरी लाइफ यहाँ के लिए रसिया के लिए क्योंकि यहाँ पे ना हर जगह कैश लेके घूमना पॉसिबल नहीं है भाई तो मैंने खोल लिया यहाँ अकाउंट तो ऐसे खुलता है अकाउंट शुरू से बताता हूँ तो एक्चुअली मैं ना ऐसे ही घूम मेरी बस थी एक तीन बार की लगभग नहीं तो 3 बजे और बज रहे थे 12 तो मैं सोचा चलो घूम के आते हैं इधर उधर तो मुझे दिख गया सीवीर बैंक तो मैं सोचा क्यों ना अकाउंट खुलवा लेते हैं भाई तो मैं गया बैंक के अंदर बोला मुझे अकाउंट खुलवानी ऐसे मैं हर कंट्री में जाता हूँ और पूछ देता हूँ तो हर कंट्री मना कर देती है तो मैंने यहाँ पूछा तो उसने हाँ बोल दिया यार तो मैंने बोला सच में क्या तो मैं गया और देखो जैसे मेरा कार्ड है तो मैं बोला कि खुल जाएगा तो बोला हाँ खुल जाएगा भाई वो इतनी हेल्पफुल थी ना क्या बोलूँ तो रसिया में आप इजीली बैंक अकाउंट खोल सकते हो और कुछ ज़रूरत नहीं बस आपका पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए और डिपॉजिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए जो इमिग्रेशन के टाइम में मिलता है भाई इतनी स्माइल से उन्होंने अकाउंट खोल दिया ना भाई क्या बोलूँ मैं बस साइन किया और यहाँ एक और चीज़ आपको यहाँ का लोकल नंबर चाहिए लोकल नंबर हमेशा अगर रहेगा तभी होगा भाई लोकल नंबर आपके पास नहीं है तो अकाउंट नहीं ओपन होगा
तो ये चीज़ है यहाँ पे। बस आधे घंटे लगे खुल गया और लाइफ इजी हो जाती है। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड में। और कुछ बताना तो नहीं रहा यार, पासपोर्ट और वीज़ा और मोबाइल नंबर, ये तीन चीज़ चाहिए और डिपार्चर कार्ड चाहिए भाई। तो ये था भाई बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं रशिया में। और ये मेरा बैंक का नाम बता देता हूँ, ये बैंक का नाम है सबीर बैंक है। तो सबीर बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है सुना है मैंने, तो इसका सर्विस भी बहुत अच्छा है। और मेरे को बोला कि अगर आप 5,000 से कम अगर ये करते हो स्पेंड करते हो तो आपको 150 रुपये लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसे भी एक महीने ही रहने, उसके बाद अकाउंट का क्या करूँगा मैं। तो भाई ऐसा सीन है, यहाँ देख लो लाइफ कैसी है। यहाँ ऐसी, यहाँ पे छोटी सिटी में कैसे दिखता है भाई, ये ट्रक है, छोटी सिटी कैसी दिखती है देख लो भाई। और आप भी अकाउंट खुलवा लो, ये बैंक अकाउंट कैसे रशिया में खोलते हैं इसके लिए वीडियो मैंने बनाई थी। तो भाई अभी आज मेरी बस है एकतरीनबर्ग के लिए। एकतरीनबर्ग बड़ी सिटी है और अच्छी है, वहाँ घूमेंगे, थोड़ी एक्सप्लोर करेंगे एकतरीनबर्ग रशिया को। आज ही बस में आज ही आया हूँ मैं भाई, सुबह में आया हूँ रशिया और मैंने अकाउंट खोल ली भाई। तो इतना ईजी है भाई अकाउंट खोलना यहाँ तो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको दूसरी कंट्री के वीज़ा मास्टर कार्ड यूज नहीं कर सकते हो। तो भाई और यहाँ पे हर जगह टैप पे चलता है। और कैश लेके आप कितना घूमोगे जे? तो कैश मेरे पास ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि भाई इतने कैश लेके घूमने से अच्छा है अकाउंट में पैसे रहेंगे तो सही रहेगा। तो मैं गया था और मजाक में खुल गया भाई अकाउंट। और ये सामने रहा रेलवे स्टेशन भाई, जिसमें आज मैं आया कुरगन करके, मैं ओम्स गया था। ओम्स में मेरे को मतलब ओम्स जाने वाला था, मेरी टिकट काउंटर पे ही थी यार। मेरे को इमिग्रेशन वाले आके सीधा बॉर्डर कंट्रोल वाला आके सीधा बोलते कि भाई आप नहीं जा सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया यार मैंने, तो वो आपने पहली वीडियो में देखी होगी। तो भाई मिलते हैं आपको अंदर में, बताते हैं सब कुछ। और सिटी बड़ा खूबसूरत सा है भाई। हाँ थोड़ी छोटी टाउन है, बड़ी सिटी नहीं है भाई। और आप बताना बताया था आप सारे चीज़ ऐप से ऑपरेट कर सकते हो और वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ये रशिया में बहुत सारी चीज़ बैन है। तो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल क्रोम से। तो ऐप डाउनलोड करके आप ऑपरेट कर सकते हो, बैलेंस कितना है क्या है सब चीज़ देख सकते हो। और उसका पिन अलग रहेगा ऐप का, और इसका पिन अलग रहेगा, वो 5 डिजिट का रहेगा 4 डिजिट का रहेगा। तो ऐसा था भाई। तो ये था कैसे खोल सकते हो वीडियो अकाउंट रशिया में, और इजी है भाई, मज़ा आ गया। तो भाई आ गए, बैठ गए और अभी भी बज रही है 1:30 और 1:30-2:30, अभी भी 2 घंटे है भाई। तो बताना चाहूँगा कि जो ये मैंने बैंक अकाउंट खुलाया है, सिर्फ ये जो काम करेगा वो रशिया में ही सिर्फ काम करेगा। और मैंने इसलिए ओपन किया है कि मेरे रशिया में कोई कार्ड काम नहीं करता है। किसका कॉल आ रहा है? हेलो, हाँ भाई, यहाँ पे ज़्यादातर टैप एंड पे चलता है, कैश कोई जिद मैंने देखा अभी कोई यूज़ नहीं करता। मैं कहीं भी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि कार्ड टैप 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 करते हैं भाई। तो यहाँ टैप एंड पे चलता है पूरा, तो कैश बहुत कम ही लोग लेके घूमते हैं। हम सब हर को देखा है कार्ड सबका, सबीर बैंक का ही ऑलमोस्ट लोकल यहाँ फेमस है सबीर बैंक। तो भाई ऐसा है यहाँ का नज़ारा। और जस्ट मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहा है फ्लॉप यूट्यूबर परगत सिंह, वो बोला भाई तूने खुलवा लिया, मेरे को नहीं बोला यार। तो मैंने बोला यार मैं तो घूमते जा रहा था, मेरे थोड़ी पता था कि सच में खोल देगा। तो अभी वो गया, उससे भी मिलवाएंगे, उसकी भी उसको भी पता, उससे भी पूछवाएंगे कि उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस बैंक अकाउंट ओपन करने का, कितने देर लगता है, तो वो भी आपको बताएगा। अभी भाई एक और चीज़ शेयर करना भूल गया था, यहाँ पे जो ATM है वो जो ट्रांजेक्शन ये गेटवे है वो MNP करके है, वो सिर्फ रशिया का है। और हाँ ज़्यादातर लोग वर्ल्ड में यूज़ करते हैं मास्टर वीज़ा ये यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर ATM में आपको MNP करके रहेगा। MNP जो गेटवे है वो ट्रांजेक्शन करता है भाई, और मेरी कार्ड भी MNP है, वो वीज़ा मास्टर नहीं है।
तो इसलिए बाहर में काम नहीं करेगा। जैसे हमारा इंडिया में रुपए है तो रुपए सिर्फ इंडिया में काम करता है, और मास्टर वीज़ा बाहर कंट्री में भी काम करता है भाई। तो ये वीडियो को यहीं करते हैं, और कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और इससे थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं। क्या हुआ भाई, कितना देर लगा खोलने में? 10 मिनट। 10 मिनट कितने डाले पैसे? मैंने 14,000। 14,000 कैसा प्रोसेस कैसा था, स्मूथ था, क्या था? मैं फैन हो गया ना। सो भाई उसमें इतना स्मूथ प्रोसेस है ना भाई, 10 मिनट। जो सबसे उनकी अच्छी बात लगी ना, ऑनेस्टी। हाँ, कोई भी OTP डलवा रही थी खुद से डलवा रही थी। हाँ, और जब मैंने मनी डलवाई तो ATM भी अपने से डलवाई और पैसे भी अपने से डलवाए, उसने फेस दूसरी तरफ। हाँ भाई, यहाँ ऑनेस्टी और मतलब प्राइवेसी, लैंग्वेज भी नहीं आती। हाँ, प्राइवेसी ये सब मतलब थोड़ा हेल्प कर देती, लेकिन प्राइवेसी देती है कि भाई ये आपकी है तो आपका ही करो, हम नहीं करेंगे। तो एक्चुअली सही है वो चीज़। लो तेरे 20 रुपये। अच्छा, मैं कॉफ़ी पीने गया था, वहाँ बोली ना कि टैप करो, मैं बोला अभी नहीं है, लेके आता हूँ तेरे को। पिया है? हाँ, कॉफ़ी है 30 रुपये में। ये टैप किया है? चला नहीं, अभी टैप करूँगा, देखता हूँ। मैं भी करूँगा। यहाँ पे ना वीजा मास्टर लिखा है, कार्ड से अपना पैसे निकाल के देखेगा वीजा मास्टर वाले? नहीं निकलेगा। तो भाई ये वीडियो को यही इन करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लग रहा है रसिया का ब्लॉग आप ज़रूर बताएं। सच में ये ब्लॉग रसिया का सीरीज़ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो बने रहें चैनल पे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय।